ये बताएं ये लेडीज का पोर्शन कितना है, कितनी सीटों का है? सर लेडीज के पोर्शन में टोटल 10 सीटें हमारे पास। 10 सीटें जी सर। तो इसमें 10 सीटों के अलावा जो खड़े होकर जाते हैं तो उनके लिए? सर खड़े होकर जो जाएंगे उनके लिए ये हैंडल दिए हुए ये पकड़ के जा सकते हैं। और हमारे पास जैसे कोई अगर व्हील चेयर वाले हैं तो उनके लिए भी हमने ये लगाए हुए हैं। जैसे हमारे पास कोई अगर व्हील चेयर वाले आते हैं तो उनके लिए भी हमने ये बेल्ट वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे वो हो सकते हैं। जी ये दो सीटें व्हील चेयर वालों की, ये एक्स्ट्रा सीटें व्हील चेयर वाले यहाँ पे मतलब अपनी चेयर लगा अपनी चेयर लगा ये एरिया जो है व्हील चेयर वालों का। सर ये बताएं कि ये जो ट्रैफिक यानी कि गाड़ी चलाने के दौरान कौन सी ऐसी यानी कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जो बसे सुजुकियाँ मोटरसाइकिलें, कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करती हैं ज़्यादा? जी हाँ, ये मेन आपने सवाल किया है। इसके अंदर ज़्यादा तो हमें एक रक्शे वाले और दूसरे बाइक वाले, ये बाइक वालों से मैं कराची के तमाम बाइक जो चलाते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपना भी ख्याल करें और अपने वालदेन का और अपने भाई बहनों का। अगर आप ख्याल करते हैं तो आप प्लीज़ आप अपनी गाड़ियाँ बिल्कुल सीधी सम्त में रखें, न किसी के आगे या कट लगाएं, जैसे कि बहुत मुश्किल हो जाती है हमें गाड़ी रोकना, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही बुरी तरह आप ऐसे आगे आते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ख़ास कर तमाम कराची के लोगों को कि ये आपकी अपनी गाड़ी है, इस गाड़ी का ख्याल करें, हमारा ख्याल करें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मोटरसाइकिल्स वाले जितने भी हैं तमाम उनको मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गाड़ी चलाते हुए अपना ख्याल करें और एहतियात करें। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हमें भरपूर साथ दिया है और गवर्नमेंट की वजह से ये गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है। तो ये सीएम हाँ जी बाकी हुकूमत का ये गिफ्ट है या सिंध गवर्नमेंट का जी तमाम सिंध गवर्नमेंट के जितने भी काबीना है उन्होंने सब ने हमारे साथ कंप्रेट किया और इस गाड़ी को चलाने के लिए सिंध गवर्नमेंट का भरपूर साथ है इसमें। जी दोस्तों आ गया है टावर और यह है इसका मेन स्टॉप, आखिरी अल आसिफ से लेकर टावर तक का यह लास्ट स्टॉप है। अब देखते हैं कि इनका आखिरी स्टॉप कौन सा है, क्योंकि जो दूसरी बसें हैं उनका स्टॉप अलग है, इनका अलग है। तो अगर कोई मुसाफिर जो है ना इनको बोले कि ये मुझे इस स्टॉप पे उतरना, तो ये वहाँ पे गाड़ी नहीं रोकेंगे, ये अपने इसी गाड़ी के जो स्टॉप बने होंगे उसी पे जो है ना गाड़ी रोकी जाएगी, बजाय इसके कि आप जो है ना इनसे कुछ जो मुसाफिर होंगे बजाय इनसे बहस करने के तो वो इस बस के रूल के मुताबिक चलें तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। ये आ गए दोस्तों गोल्डन मार्क मेमन मस्जिद। ये मेमन मस्जिद का एक स्टॉप है, उसके बाद हो सकता है लास्ट हो। अच्छा, जितने भी मुसाफिर हैं उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप इस बस में बैठें तो सफाई का अपनी खुद ख्याल रखें, कोई टॉफ़ी वगैरह का कोई भी कागज़ रैपर वगैरह कोई भी जो है ना इसको गंद ना फैलाएं, क्योंकि सफाई आप रखेंगे तो आप ही की बस है ये,
आप सफाई रखेंगे तो आप ही ने सफर करना है। अगर आप गंद डालेंगे तो ये इनका बसों का भी हाल वो हो जाएगा जो आप देखते हैं कि बसों के चढ़ के ऊपर जो है ना छत के ऊपर चढ़ के सफर करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन बसों का वो हाल ना करें, क्योंकि ये आपने सफर करना है, आपने हिफाजत करनी है। अगर आप हिफाजत करेंगे तो आप कंफर्टेबल जो है ना सफर कर सकेंगे। तो मेरी तमाम मुसाफिरों से भी इल्तमास है कि वो इस गाड़ी के अंदर ना गंद करें, ना लड़ें, ना झगड़ें, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सफर करें। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो ये मॉनिटर कहीं और से हो रहे हैं या यहीं से हो रहे हैं ऑपरेट? गाड़ी में भी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, अच्छा ठीक है। दोस्तों, कोई भी जो इस गाड़ी में सफर करे तो कोई भी गड़बड़ करने से पहले ये सोच ले कि गवर्नमेंट उनको जो है ना चेक कर रही है। तो इसके अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आप बहुत एहतियात करें, कोई ऐसी किसी की चीज़ चोरी ना करें, सफ़र आराम से करें, क्योंकि आपको कैमरे की आंख देखती है इस गाड़ी के अंदर से। तो आप बहुत एहतियात करें और अपने सफ़र को जो है ना बेहतरीन बनाएं। तो ये है लास्ट स्टॉप। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा देखते हैं, ये लास्ट स्टॉप है ना, ये है लास्ट स्टॉप, और इसके बाद हम गाड़ी का मुकम्मल मायना बाहर से करेंगे। ये बताएं, मजदूर जो हैंडीकैप अपराध हैं वो सवारी कैसे करेंगे? जी हाँ, उसके लिए हमारे पास ये सहूलत मौजूद हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड को उठाएंगे इस तरह, और ये यूं नीचे आ जाएगा। यहाँ व्हील चेयर वाले जो है वो इसीलिए आराम से ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद ये व्हील चेयर इस तरह से अंदर आएगी, अंदर आके इसको हम यहाँ ला के बिठा देते हैं, और उसके लिए ये सेफ्टी बेल्ट है जो खोल के इसके साथ इससे हमें यूं लगा देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बाहर से बताऊं एक, कि मिसाल है व्हील चेयर वाले अगर आते हैं यहाँ जाएं, व्हील चेयर वाले मिसाल है अगर आएंगे स्टॉप के ऊपर, तो उससे पहले सबसे पहले वो इस बटन को पुश करेंगे। ये दिखाएं बटन, आप ये दिखाएं, ये निशान लगा हुआ है, इसको वो पुश करेंगे यहाँ से,
ये यानी कि अगर जो मजदूर होगा तो जी हाँ, इसको इसको प्रेस करेगा तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएंगे मजदूर जी हाँ, इसको यूं प्रेस करेगा तो हमारे पास 100 मीटर में उसकी तस्वीर आ जाती है और उसके मुताबिक फिर हम उनके लिए जो सहूलत मौजूद हैं वो आके करते हैं। ये इसका शीशा इतना क्लियर है कि देखें आप रिजल्ट देखें कि इस शीशे के जो है ना बैक साइड पे कितना प्यारा रिजल्ट आ रहा है। Gracias.